नमस्कार दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ आज दूसरा टेस्ट महामुकाबला कुछ ही घंटों बाद शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही अचानक भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने इस महामुकाबले के लिए मैच से पहले ही टीम इंडिया की प्लेइंग 11 घोषित कर दी है और उन्होंने इस महामुकाबले के लिए टीम इंडिया से 4 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाकर उनकी जगह नए और धाकड़ खिलाड़ियों की एंट्री करा दी है, जिससे अब टीम इंडिया की जीत और भी सुनिश्चित हो चुकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए सब कुछ बताएं कि भारत और इंग्लैंड के बीच आज दूसरा टेस्ट महामुकाबला कितने बजे शुरू होगा और भारतीय टीम की क्या प्लेइंग 11 होने वाली है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम को जिस तरह से पहले टेस्ट में हार मिली है उससे टीम इंडिया ने काफ़ी सबक लिया है, इसलिए अब रोहित शर्मा ने आज होने वाले दूसरे टेस्ट महामुकाबले के लिए भारतीय टीम में लगातार खराब प्रदर्शन कर रहे सुमन गिल और श्रेयस अय्यर के लिए इस महामुकाबले से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो वहीं इस महामुकाबले के लिए टीम इंडिया में रजत पाटीदार और सरफराज खान खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो वहीं इंग्लैंड की टीम के कप्तान बेन स्टोक्स भी इस महामुकाबले के लिए काफ़ी उत्सुक नज़र आ रहे हैं, इसलिए आज इन दोनों टीमों के बीच जो कि सुबह 9:30 बजे से विशाखापट्टनम में महामुकाबला खेले जाने वाला है, उसके लिए दोनों टीमों ने अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो भाई भारतीय टीम के कप्तान के लिए अगर सीरीज में 1-1 की बराबरी करनी है तो हर हाल में दूसरा टेस्ट महामुकाबला जीतना ही होगा, लेकिन जिस तरह से भारतीय टीम की पहले टेस्ट मैच में की दूसरी पारी में बल्लेबाजी पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई थी, अगर भारतीय टीम उसी प्रकार का प्रदर्शन दोहराती है तो भारतीय टीम को दूसरे मैच में परेशानी उठानी पड़ सकती है। लेकिन टीम इंडिया के कप्तान ने इसी को देखते हुए दूसरे महामुकाबले के लिए एक नई प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने का फैसला किया है, जहां पर इस मैच में टीम के ओपनर बल्लेबाजों की बात करें तो रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल दोनों ही खिलाड़ी करते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि यह दोनों ही खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट के काफ़ी खतरनाक बैट्समैन माने जाते हैं। हालांकि इन दोनों खिलाड़ियों ने पहले टेस्ट में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया था, इसलिए इन्हें दूसरे टेस्ट मैच में अच्छा प्रदर्शन जरूरी करना होगा। तो तीसरे नंबर के लिए इस महामुकाबले में पहले टेस्ट में पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए सुमन गिल के लिए बाहर का रास्ता दिखाकर उनकी जगह डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे रजत पाटीदार इस महामुकाबले में टीम इंडिया में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो वहीं चार नंबर के लिए इस महामुकाबले में भारतीय टीम में केएल राहुल के बाहर हो जाने से टीम इंडिया के लिए बड़ा झटका लगा है, हालांकि उनकी जगह सरफराज खान को शामिल किया गया है, इसलिए वह 4 नंबर पर इस महामुकाबले में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो वहीं 5 नंबर के लिए एक बार फिर से श्रेयस अय्यर इस महामुकाबले में खेलने वाले हैं, हालांकि श्रेयस अय्यर ने पहले टेस्ट में कोई भी खास प्रदर्शन नहीं किया था। तो वहीं 6वें स्थान पर टीम के पास विकेट कीपर बल्लेबाज केएस भरत इस महामुकाबले में एक बार फिर से टीम इंडिया में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो वहीं 7वें नंबर के लिए टीम के पास ऑलराउंडर खिलाड़ी वॉशिंगटन सुंदर का इस महामुकाबले में खेला जाना तय माना जा रहा है, क्योंकि रविंद्र जडेजा चोट के कारण भारतीय टीम से बाहर हो चुके हैं। तो वहीं 8 और 9 नंबर के लिए टीम इंडिया में 2 ऑलराउंडर खिलाड़ी रविचंद्र अश्विन और अक्षर पटेल एक बार फिर से टीम इंडिया में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों ने पहले टेस्ट में बेहद ही बल्लेबाजी तक गेंदबाजी से जबरदस्त प्रदर्शन किया था। तो वहीं 10 और 11 नंबर के लिए टीम में 2 और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह एक बार फिर से खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि जिन दोनों खिलाड़ियों ने पहले टेस्ट में बेहद ही शानदार और किफायती गेंदबाजी की थी। तो वहीं इन 11 खिलाड़ियों के साथ भारतीय टीम दूसरा टेस्ट महामुकाबला जीतने के लिए मैदान पर उतरते हुए दिखाई देने वाली है।